साथ मैं हूँ लक्ष्मी। दिल्ली से निर्दलीय विधायक रह चुका रामवीर शौकीन के सफदरजंग अस्पताल से फरार होने के बाद अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस रामवीर शौकीन की गिरफ्तारी के लिए अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही। दिल्ली से निर्दलीय विधायक रह चुका रामवीर शौकीन यूपी पुलिस को चकमा देकर सफदरजंग अस्पताल से भागने में कामयाब रहा। रामवीर शौकीन दिल्ली के डॉन नीरज बवाना का मामा है। रामवीर शौकीन के फरार होने के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट विजय कुमार ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे यूपी पुलिस ने अस्पताल से रामवीर शौकीन के फरार होने की खबर दी थी। छानबीन करने पर पता चला कि रामवीर 3 घंटे पहले ही फरार हो चुका था। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिससे पता चल सके कि रामवीर शौकीन के भागने के पीछे कौन कौन शामिल है और किस तरह वे यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। गुरुवार को पटियाला हाउस के मकोका कोर्ट में शौकीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। रामवीर शौकीन को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। आज ही लेकर आए थे दोपहर 1:30 बजे। अच्छा, तो क्या हुआ था? बस वो चकमा देकर भाग गया। तो उनके साथ कौन थी? उसकी मिसिस थी, बस और ज्यादा कुछ नहीं। शौकीन की अस्पताल से फरारी के बाद बागपत पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने यूपी पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया है। देर रात तक बागपत के पुलिसकर्मी थाने में मौजूद रहे और उनके बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया। यूपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओपीडी में रामवीर शौकीन को बिना हथकड़ी के रखा गया था। रामवीर पर नीरज बवाना का अपराध में साथ देने और अवैध हथियार रखने का आरोप है। 2016 में काफी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। रामवीर का भांजा नीरज बवाना कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली से संवाददाता अनीश झा के साथ लक्ष्मी की रिपोर्ट। दिल्ली और NCR से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए NN न्यूज दिल्ली NCR और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज़ दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।